जादुई तीन झरने। ढोलकपुर नाम का एक बहुत बड़ा गांव था। गांव से कुछ ही दूरी पर शिवा का घर था। शिवा के घर में उसकी पत्नी शीला और बेटी कोमल रहा करती थी। शिवा लकड़ियां बेचने का काम किया करता था। शीला शिवा को उसके काम में मदद कर दिया करती थी। एक दिन शीला शिवा के साथ लकड़ियां लाने के लिए जंगल में गई। तभी उसे जहरीले सांप ने काट लिया। सांप का विष इतना जहरीला था कि शीला की जंगल में ही मौत हो गई। ये देख शिवा। शीला उठो ना शीला, तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। ऐसा कहकर शिवा बहुत रोने लगा। कोमल तो अपनी माँ को देख फूट फूट कर रोने लगी। जैसे तैसे शिवा कोमल को संभालने लगा, मगर कुछ ही दिनों में उन दोनों के खाने के लाले पड़ने लगे। इसीलिए शिवा ने दूसरी शादी कर ली। शिवा की दूसरी पत्नी सुधा दिखने में बहुत ही सुंदर थी। उसको एक बेटी थी जिसका नाम था गौरी। गौरी दिखने में खूबसूरत होने के कारण हमेशा कोमल को बदसूरत कह के कोसा करती थी। एक दिन सुधा घर में खाना बना रही थी, तभी कोमल को बहुत भूख लगती है। कोमल सुधा से, माँ मुझे बहुत भूख लगी है, कुछ खाने के लिए दो ना। ये सुबह की सब्जी रोटी है, यही खा लो। माँ मुझे सब्जी रोटी छोड़ के दूसरा कुछ खाने को दो ना। घर में सब्जी रोटी ही है, खाना है तो खाओ वरना भूखी रहो। ऐसा कहकर सुधा वहाँ से गौरी के लिए फल की प्लेट लेकर चली जाती है। ये देख कोमल की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो चुपचाप से सब्जी रोटी खाकर अपने कमरे में चली जाती है। सुधा कोमल के साथ हमेशा सौतेला व्यवहार किया करती थी। उसे कोमल अच्छी नहीं लगती थी। 4 दिनों के लिए शिवा काम के सिलसिले में शहर चला जाता है। तभी सुधा मन ही मन बहुत खुश हो जाती है। पहले ही दिन सुधा ने कोमल से, कोमल ये जरा बर्तन साफ कर देना और बर्तन हो जाने के बाद कपड़े भी धो लेना। जी माँ। बेटा गौरी तुम यहाँ आओ, हम टीवी देखेंगे। हाँ माँ। ऐसा कहकर सुधा गौरी के साथ टीवी देखती है। कोमल को ये देख बहुत बुरा लगता है। वो काम हो जाने के बाद अपने कमरे में जा रही थी, तभी सुधा उसे झाड़ू लगाने के लिए कहती है। कोमल चुपचाप से घर को झाड़ू लगाती है और अपने कमरे में चली जाती है। कमरे में जाते ही कोमल बहुत रोने लगती है। माँ तुम मुझे छोड़ के क्यों चली गई? ये नई माँ अच्छी नहीं है, मुझे प्यार भी नहीं करती। ऐसा कहकर कोमल बहुत रोती है और कुछ देर में सो जाती है। अब शाम हो जाने के कारण सुधा कोमल से, अरे कोमल की बच्ची, शाम होने को है और तुम अभी भी सो रही हो, उठो। ऐसा कहकर सुधा उसे ताने मारने लगी। तभी कोमल की नींद खुल जाती है और कोमल उठकर सुधा से, माँ मेरी आंख लग गई थी। घर में कितने काम पड़े हैं, वो कौन करेगा, चलो। माँ मैं अभी आई। ऐसा कहकर कोमल उठकर काम करने चली जाती है। सुधा उसे बहुत सारे काम बताकर खुद आराम किया करती थी। अब एक दिन सुधा ने कोमल को जंगल में लकड़ियां लाने के लिए कहा। कोमल जंगल से लकड़ियां काट कर लाओ। माँ तुम मुझे दूसरा कोई भी काम बताओ, मगर ये लकड़ी काटने का काम मत बताओ। तुम्हें आज लकड़ियां ही काट कर लानी पड़ेगी, नहीं लाई तो इस घर में वापस मत आना। माँ मुझे सच में लकड़ी काटना नहीं आता। तुम्हें लकड़ियां काटना नहीं आता तो इसमें मैं क्या करूँ? जाओ जल्दी जाकर लकड़ियां काट कर लाओ। कोमल रोने लगती है और सुधा से कहती है, माँ मुझे जंगल जाने के लिए डर लगता है, मुझे वहां मत भेजो। तुम्हें कुछ नहीं होगा, तेरे जैसे सावली और दिखने में बदसूरत लड़की को भला क्या हो सकता है। कोमल ये बात सुनकर बहुत ही रोने लगती है। कोमल रोते हुए जंगल की ओर जाने के लिए निकलती है। जंगल में जाते समय उसकी नजर जंगल के पेड़ों पर पड़ी। जंगल के पेड़ बहुत ही सुंदर थे। आगे जाकर कोमल को अपनी माँ की याद आने लगी। वो एक जगह बैठकर बहुत रोने लगी। हे भगवान मेरी माँ अगर होती तो मुझे कितना प्यार करती। ऐसा मन ही मन सोचकर कोमल अब बहुत रोने लगी। रोने की आवाज सुनकर वह जंगल की परी आ गई। परी कोमल से, क्या हुआ बेटी, तुम इतना क्यों रो रही हो? आप कौन हो? मैं इस जंगल की परी हूँ, तुम क्यों रो रही हो? हे परी रानी, मेरी सौतेली माँ मुझसे प्यार नहीं करती और मुझे हमेशा काम करने को कहती है, मैं क्या करूँ? तुम मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें एक अद्भुत जगह दिखाती हूँ। ऐसा कहकर परी और कोमल कुछ देर चलने के बाद एक जगह पर पहुंच जाते हैं। वह 3 झरने थे। पहले झरने का रंग था नीला, दूसरे झरने का रंग था पीला और तीसरे झरने का रंग था गुलाबी। कोमल झरनों को देखकर बहुत खुश हो जाती है। तभी कोमल परी से, परी रानी
ये झरने कितने सुंदर है। मुझे तो अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा है कि इतना सुंदर झरना हो सकता है। कोमल, ये झरने जादुई है। ये नीला झरना तुम्हें पैसा देगा, पीला झरना तुम्हें बहुत सारा सोना देगा, और गुलाबी झरना तुम्हें बहुत सारी खूबसूरती और ज्ञान देगा। इस झरने में जिसने भी एक बार डुबकी लगाई, उसे झरने की खासियत के हिसाब से सारी चीजें प्राप्त हो जाती है। अगर मैं इस नीले झरने में डुबकी लगाऊंगी तो मुझे पैसे मिलेंगे, दूसरे पीले झरने में डुबकी लगाऊंगी तो मुझे सोना मिलेगा, और गुलाबी झरने में डुबकी लगाऊंगी तो मुझे ज्ञान के साथ साथ खूबसूरती भी मिलेगी। मुझे खूबसूरती के साथ साथ ज्ञान भी चाहिए, इसीलिए मैं तीसरे झरने में डुबकी लगाऊंगी। कोमल परी से कहती है, परी रानी मुझे गुलाबी झरने में डुबकी लगानी है। ठीक है कोमल, तुम गुलाबी झरने में डुबकी लगाओ। कोमल अब गुलाबी झरने में एक डुबकी लगाती है। डुबकी लगाते ही कोमल दिखने में बहुत खूबसूरत हो जाती है और उसे ढेर सारा ज्ञान भी प्राप्त हो जाता है। कोमल घर जाने के लिए निकलती है, तभी कोमल परी से, परी रानी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मेरी बहुत मदद की है, मगर एक समस्या है। अब कौन सी समस्या है तुम्हें? मुझे लकड़ियाँ लेकर घर जाना है और मुझे लकड़ियाँ काटना नहीं आता। तभी परी अपने जादू से हाथों पर एक मोती बनाती है और कोमल को देकर कहती है, कोमल ये लो जादुई मोती, इससे तुम जो भी मांगोगी तुम्हें वो मिल जाएगा। परी रानी सच में ऐसा होगा? तुम इस मोती से मांग के तो देखो, तुम्हें पता चल जाएगा। ऐसा कहते ही कोमल उस मोती से लकड़ियाँ मांगती है और देखते ही देखते उसके सामने लकड़ियों का ढेर बन जाता है। ये सब देख कोमल बहुत खुश हो जाती है। अब परी कोमल से, कोमल तुम्हें ये जादुई मोती मैंने दिया है, ये बात किसी को नहीं बताना, नहीं तो इस मोती का गलत इस्तेमाल भी किया जा सकता है। इसे सिर्फ तुम्हारे पास ही रखना। जी परी रानी, मैं इसे मेरे पास ही रखूंगी। ऐसा कहकर कोमल वो जादुई मोती अपने ड्रेस में छुपा देती है और कुछ लकड़ियाँ लेकर घर चली जाती है। कोमल को देख सुधा के होश ही उड़ जाते हैं। सुधा कोमल से, अरे कोमल तुम इतनी खूबसूरत कैसे बन गई? माँ जंगल में तीन झरने हैं, एक पीला झरना सोने का, दूसरा नीला झरना पैसों का, और तीसरा झरना ज्ञान और खूबसूरती का। तो मैंने गुलाबी झरने में डुबकी लगाई और मैं खूबसूरत बन गई। ये सब बातें सुन सुधा मन ही मन कोमल को, क्या मूर्ख लड़की है, पैसा और सोना छोड़ के इसने ज्ञान और खूबसूरती चुना। मैं मेरी बच्ची को लेकर वहां जाती हूँ और बहुत सारा सोना लेकर आती हूँ। अब सुधा गौरी को आवाज देती है और गौरी से, गौरी चलो मेरे साथ, हम जंगल में जाएंगे, वहां जादुई झरने हैं, वहां से हम ढेर सारा सोना और पैसे लेकर आएंगे। हाँ माँ। माँ मगर ये सब सच है क्या? कोमल देख कितनी खूबसूरत बन गई है, ये जादुई झरने में डुबकी लगा कर आई है। चलो माँ मुझे भी जल्दी जंगल जाना है और झरने में डुबकी लगानी है। ऐसा कहकर सुधा और गौरी जंगल में चली जाती है। कोमल ने बताए हुए रास्ते से जाकर वो तीन जादुई झरनों के पास पहुंच जाती है। तभी सुधा गौरी से, गौरी तुम सोने के झरने में डुबकी लगाना, मैं नीले झरने में डुबकी लगाती हूँ, जिससे हमें सोना और पैसे दोनों भी मिल जाएंगे। ठीक है माँ। ऐसा कहकर गौरी पीले झरने में और सुधा नीले झरने में डुबकी लगाती है। जब दोनों बाहर आती है तो गौरी बहुत ही काली और बदसूरत दिखाई देती है। ये देख सुधा गौरी से, गौरी बेटी तुम इतनी काली और बदसूरत कैसे बन गई? माँ आपका भी रंग कितना काला हो गया है, ये हम दोनों को क्या हुआ है? तभी सुधा और गौरी के सामने एक परी प्रकट हो जाती है और परी सुधा से, ये जादुई झरना है, इसमें कोई भी व्यक्ति आकर डुबकी नहीं लगा सकता। तुम दोनों के बुरे विचारों के कारण तुम इतनी बदसूरत बन गई हो, अब अपने कर्मों का फल भुगतो। हे परी रानी हमें माफ कर दो, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, हम पे कृपा करो। ये झरना जैसी व्यक्ति वैसा फल देता है, मैं इसमें कुछ नहीं कर सकती। तभी वहाँ कोमल आ जाती है। कोमल परी रानी से, परी रानी आप इन्हें माफ कर दो, इन दोनों को इनकी गलती का एहसास हुआ है, यही बहुत है, इन्हें पहले जैसा बना दो। परी रानी उसकी विनती सुन के, ठीक है कोमल मैं इन्हें माफ करती हूँ, मगर आज के बाद इन्होंने फिर तुम्हें तकलीफ दी तो ये फिर से बदसूरत बन जाएगी, ऐसा कभी नहीं होगा परी रानी। परी रानी सुधा और गौरी को पहले जैसे बना देती है।
सुधा को अपने किए का पछतावा होकर वो कोमल से माफी मांगती है। मुझे माफ कर दो कोमल, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मैंने तुम्हें बहुत तकलीफ दी, मुझे माफ कर दो। नहीं माँ, तुम माफी मत मांगो। ऐसा कहकर कोमल और सुधा गले लग जाती है। अब तीनों एक साथ खुशी खुशी रहने लगती है और ये सब जादुई तीन झरनों की वजह से हो पाया था। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि जिंदगी में हमेशा अच्छा वर्तन करना चाहिए। अच्छा वर्तन हमेशा सही दिशा की ओर लेकर जाता है।